असलम आई होप यू आल आर फाइन सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर्स सेलेक्शन फ़ॉर स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है आपने नोटिस बोर्ड में जाना है और यहाँ पर जो न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें कल की जो अनाउंसमेंट है दिस इज़ रिगार्डिंग टू द कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अच्छा आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं फॉर द कोर्स सिलेक्शन इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ओवरऑल करना क्या देखिए सबसे पहले तो ये कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक है वो ट्वेंटी मार्च दैट वेडनेस वेनसडे से ओपन होगा ठीक है और वेनसडे से लेके लाइक टेंथ अप्रैल तक जो है वो हम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं ठीक हो गया पहली बात अच्छा अब उसके बाद मेक sure वैसे ये करना चाहिए कि आपने पहले से अगर अपने सब्जेक्ट्स वगैरह डिसाइड करके रखे हुए हैं कि हाँ किसके हैंड आउट्स ईजिली अवेलेबल हैं या किसके लेक्चर्स आपको सही से समझ आ रहे हैं या फिर किसका रीडिंग मटेरियल आपके पास ज़्यादा तो कोर्स सिलेक्शन पहले से बंदा डिसाइड कर लेता है लेकिन इवन देन हम टेंथ अप्रैल तक जो है वो कोर्सेज़ को एड या ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है अगर तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं सारे कोर्सेज़ प्री सेलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यू डोंट नीड टू सेलेक्ट एनी ऑफ द कोर्सेज़ फ्रॉम योर ऑन एंड ठीक है तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे ऐसे आपको कोई चेंज नहीं करना कोर्स सिलेक्शन में हाँ लेकिन अगर आपका कोई बी एस का डिसिप्लिन है और उसमें बस एक चॉइस आमतौर तौर पर आती है कि फिजिक्स वन जीरो वन और फिजिक्स थ्री जीरो वन लाइक फिज़िक्स जो जनरल फ़िजिक्स होती है और एक सर्किट थियोरी तो इन दोनों में एक चॉइस आपको मिलती है तो उन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स वन जीरो वन आमतौर पर ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते हैं और वो कंपेरेटिवली आसान है वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं ठीक है अच्छा ये तो बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर uh, के स्टूडेंट्स की उसके बाद अब अगर हम एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स की बात करें तो आपने क्या करना है कि टेंथ अप्रैल ये जो आपके पास लास्ट डेट है ना इससे पहले पहले आपने मेक श्योर sure करना है कि आप कोर्स सिलेक्शन कर लें क्यों क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करता तो ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज एन इनएक्टिव स्टूडेंट और जो इन एक्टिव स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेयर हो जाता है वो उस पर वही वाली सारी पॉलिसी अप्लाई होती है जो कह लें कि सैस्टर फ्रीज़ के जो भी रूल्स हैं वो उस इनएक्टिव स्टूडेंट पर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं और फिर डेफिनेटली उसकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ नहीं स्टार्ट होंगी और वो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं होंगी शो ही नहीं होंगी इवन एल एम एस पे अगर आपने सब्जेक्ट्स ही नहीं सिलेक्ट किए ठीक है थीके? अच्छा फिर उसके बाद क्रेडिट आर्ड की अगर हम बात करें तो अगर तो आपकी सी जी पी ए मतलब थ्री प्लस चल रही है थ्री पॉइंट फाइव प्लस चल रही है या फिर आपका मतलब मेरिट बेस्ड या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इस तरह वाला कोई सिनेरियो है तो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी को इफेक्ट ना होने देने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपके जो प्री लाइक प्री डिफाइंड आपके सब्जेक्ट्स हैं आपने वही जो है वो सारे सेलेक्ट करने हैं अब वो प्री डिसाइडेड कौन से हैं जैसे ही वो कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा तो वहाँ पे जो है वो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ मेरी लाइक अगर आपका सेमेस्टर सेवन है फॉर एग्जांपल या सेमेस्टर फ़ाइव है टू थ्री जो भी है तो उसमें अगर लाइक आपके पास पहले से है कि ये ये वाले सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में आपने पिक करने हैं तो आप मेक श्योर करें कि बेशक वही करना है ठीक है लेकिन मैंने एक दो बार कोई और भी लाइक अगले पिछले सेमेस्टर का भी पिक करके देखा हुआ तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक सेफ साइड पर रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम रिकमेंडेड स्कीम को ही फॉलो करें ठीक है अच्छा अब एक बात हो गई उसके बाद कोर्स प्री रिक्विजेड रूल बेसिकली क्या है अगर अक्सर आपको अब जैसे सी एस टू जीरो वन है ठीक है तो ये को लाइक जो सी एस टू जीरो वन है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का प्री रेक्विजिट है इसी तरह सी एस सिक्स जीरो वन होती है डेटा कम्युनिकेशन तो प्री रेक्विजिट वो कोर्सेज़ होते हैं कि जब हम पहले उनको रीड करें तो फिर हम नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट उनसे ही उनका ही एडवांस्ड कोई जो है वो पिक कर सकें तो प्री रेक्विजिट्स जो होते हैं पहले उनको स्टडी करना और क्लियर करना ज़रूरी होता है और फिर हम नेक्स्ट उसका उसका एडवांसड लेवल लें पिक कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा स्प्रिंग 2018, फॉल 2018, स्प्रिंग 2019 और फॉल 2019 इनमें जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं लाइक उनका जो एडमिशन टाइम या एडमिशन सेमेस्टर उनका ये वाला है उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी क्योंकि उनके पास पहले से मैक्सिमम टाइम उन्हें दो साल की डिग्री का मिल चुका हुआ है ठीक है अगर आपका एल किसी भी वजह से ब्लॉकड है लाइक अगर आपने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ कोर्स सिलेक्शन क्यों क्योंकि अगर आपका एल एम है तो आपका कोर्स सिलेक्शन लिंक ही डेफिनेटली इनेबल्ड नहीं होगा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जो एफ ए, ग्रेड के सब्जेक्ट होते हैं वो आपके फेल्ड क्योंकि सब्जेक्ट हैं तो जब आपकी कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा आप अपने एलएमएस पे जाके देखेंगे कोर्स सिलेक्शन टैब में तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एफ ग्रेड के आपके पिछले किसी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे अपियर हुए होंगे ठीक है तो आपने वहाँ से पिक कर लेना है और जैसे मैंने आपको रिजल्ट वाली वीडियो में बताया था कि मेक श्योर करें कि अगर आपके कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एफ़ ग्रेड हैं तो कोशिश करें कि पहले आप उनको ही पिक कर लें क्योंकि हमने वो थोड़ा बहुत तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होता है तो रिसेंटली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा और हो सकता है कि वो किसी आने वाले सब्जेक्ट का प्री रेक्विजिट भी हो है ना तो फिर अगर लाइक आपने पहले प्री रेक्विजिट ही नहीं क्लियर किए होंगे तो डेफ़िनेटली आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी शो नहीं होंगे उसके अलावा डी ग्रेड अच्छा और एफ ग्रेड जब तक आपका एफ़ रहेगा लाइक अगर खुदा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एफ रहता है तो फिर वो अगले से अगले सेमेस्टर में फिर आपकी कोर्स सिलेक्शन में दोबारा शो हो जाएगा तो एफ ग्रेड सब्जेक्ट को जितना मर्ज़ी चाहें हम बार 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 रिपीट कर सकते हैं लेकिन अगर डी ग्रेड की बात करें तो वो क्योंकि होता है तो क्लियर है लेकिन हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से तो वो एक ही बार जो है समझ लें हम कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा इसमें ये सीन होता है कि अगर आपने डी ग्रेड सब्जेक्ट कोई पिक किया है लेकिन आपकी समझने पहले उसमें सी जी पी ए थी लेट से फिफ़्टी फाइव परसेंट थी और अगली नेक्स्ट टाइम अब आप आपने रिपीट किया लेकिन अब आ जाती है फिफ्टी परसेंट तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपका जो बेटर ग्रेड है उसमें से वो जो है वो कंसिडर किया जाएगा ठीक है और लोएस्ट ग्रेड कंसिडर नहीं होगा अच्छा उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कुछ लेंकस वगैरह दिए मैं लाइक क्या उसे कहते हैं कि अगर आपने लाइक किसी इसमें एक्सटेंशन पे जाना है आपकी कोई क्यूरी है जो आपने यूनिवर्सिटी से पूछनी है तो वो यहाँ पे डिफरेंट फ़ोन एक्सटेंशन या ईमेल वो भी लिखे हुए हैं ईमेल एड्रेसेस uh, भी लिखे हुए हैं इन पर कांटेक्ट करके आप अपनी क्यूरी को जो है वो रिजॉल्व कर, कर सकते हैं ठीक है अच्छा कोर्स सिलेक्शन का यही था उसके अलावा कोर्स सिलेक्शन लाइक अब यहाँ पे टेंथ अप्रैल लिखा हुआ है तो आमतौर पे हर बार यही होता है कि टेंथ अप्रैल की जगह नाइनटीथ अप्रैल या फिफ्टीन अप्रैल मतलब थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होती है ठीक है और जब तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन रहती है उस वक्त तक आपकी फी वाउचर्स जो है वो जनरेट नहीं होंगे इशू नहीं होंगे एंड वंस यू आर डन विद कोर्स सिलेक्शन तो फिर क्या होता है कि ट्यूशन फी उस हिसाब से आपकी कैलकुलेट होकर आपकी एल एम एस की अकाउंट बुक में नजर आ जाती है ठीक है और जब कोर्स सिलेक्शन खत्म हो जाती है तो उसके बाद ही आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेज़ और ये सारा टू डू कैलेंडर जो है वो डिस्प्ले होने लग जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोर्स सिलेक्शन इसमें अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रहेगी यू यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल See you soon. Till then for the